आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश ने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ केंद्र के व्यवहार पर कड़ी आलोचना करते हुए ऐलान किया है कि वह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर रोजा रखेंगे। स्वामी अग्निवेश ने यहां संवाददाताओं से कहा है कि हिंदुस्तान की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है कि इंसानियत का फराइज अदा करते हुए लोगों को सुरक्षा देते हुए पनाह दी जाती रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने बांग्लादेशी, तिब्बती और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को दिया है, उसी तरह रोहिंग्या मुसलमानों को विदेश में पनाह दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकवाद बताने पर निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक भी रोहिंग्या मुस्लिम के आतंकवादी होने का सबूत पेश नहीं किया है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम अपने देश में हो रहे असुरक्षा और नरसंहार की समस्या से जूझ कर जम्मू कश्मीर में 60,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान पनाह लिए हुए हैं, जिनकी सुरक्षा, खाने पीने और स्वास्थ्य की नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने मोदी सरकार पर धर्म के आधार पर शरणार्थियों को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन नीतियों की वजह से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।